अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबके दुआ में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आप भी, हमने सोचा है कि चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि व्लॉग अभी इधर इससे पहले फ्रेंड्स हमने व्लॉग डाला। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, अगर आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं समझ में आया क्या है क्या नहीं, तो आप लोग इससे पहले वाला व्लॉग चेक करिएगा, बहुत अच्छा व्लॉग था। खास सिर्फ खाने पीने का व्लॉग है, तो इसीलिए लग रहा ज़्यादा से। ओ माय गॉड, मेरे सफ़ेद बाल फ्रेंड्स, ये देखिए सफ़ेद बाल, कहते हैं तोड़ना नहीं चाहिए। और सफ़ेद बाल भी सुना है हमें बहुत अच्छे होते हैं। और थोड़ा सा पर्दा खोल देते हैं कभी कभी डाल, क्योंकि बाहर से रोशनी आती है ना सुबह के टाइम, थोड़ी सी नींद पूरी करना रहता है। तो ऐसे ही शावर अवर ले ली था, आज जुम्मा है तो सबको जुम्मा मुबारक हो। आज बहुत दिन बाद हमने पर्पल वाला सूट पहना है, दूसरी बार ही पहना है, क्योंकि हम जब सूट सिलवा लेते हैं उसके बाद हमें बहुत मोटा लगने लगता है। रोज़ निकालते हैं, हम रोज़ रखते हैं, हर जुमे को निकालते हैं, हर जुमे को रख देते हैं, तो ऐसा हमारे साथ चलता रहता है। तो आज अम्मी ने भी वही सीमे का निकाल, अम्मी भी पहनेंगे। अम्मी जब हम पहनते हैं, अम्मी कहती है मैं अच्छी सेम बनाया। अम्मी क्या करती है ना, अम्मी के जो सूट होते हैं जब हम लोग ट्विनिंग वाली बनाते हैं, तो अम्मी पहले पहन डालती हैं और उसके बाद मेरे जो होते हैं नए नए रखे रहते हैं। तो इसीलिए, और अभी भी हम लोग ने दो सूट बनाए और रोशनी में पहनेंगे जब आप लोग देखिएगा। और आज जुम्मा था, नहा धो लिया था, आज अम्मी ने चिकन विकन बनाया है। ऊपर रोटी अम्मी ने कहा बाहर से मंगाई, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, रोटी वोटी नहीं बनाने का दिल चाह रहा है। और जुमे को ऐसे बाहर का थोड़ा सा तंदूरी रोटी वोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो आज हमने जो शैम्पू वैम्पू करी, क्योंकि रोज़ हम शैम्पू नहीं करते, आज हम जाएंगे अदीबा के घर में, मेरी बेस्ट फ्रेंड, देखा था जो आपने आई थी अब इससे पहले जो हमने ब्लॉग डाला था उसका। तो चलिए, उसने आज बुलाया था कि बहुत दिन से आए नहीं हो, फिर उसके बाद हमने जब चलते हैं, फिर उसके बाद अचानक जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई, इतना भयानक बारिश हो रही थी, इतनी हो रही थी, हम डर के, हमने कहा फिर हमने मैसेज किया, हमने कहा बहन ट्रेन तो फिर किसी दिन, उसने कहा नहीं आओ ज़रूर। तो इसलिए हमने फिर हल्की हल्की कम हो गई है बारिश, तो हमने कहा पास में ही जाना है तलाक महल में, तो हमने कहा बस चलते हैं और निकलते हैं, फिर वहीं आपसे जाके मिलते हैं, ठीक है? ब्लॉग बने रहेगा। क्या अंगूठी अंगूठी पहन रही हो? उधर उधर का तार निकाल देते हैं पहले। ये उसमें ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है ना, हम लोग के लिए नाश्ता बना रही है मेहमान के सामने, यहाँ नाश्ता बनता है। क्या बना रही हूँ? सैंडविच बना रही मैं, उन्नीस वाली फ्रेंड सैंडविच बन गए हैं। इसमें क्या 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 लगाया बताओ? वही टमाटर और क्या बोलते शिमला मिर्च। अच्छा, मैं उन्नीस है सब डाल के। इसमें क्या रखा? इसमें वही मिला हुआ। अच्छा, मिक्स। चलिए खाइए आप लोग, डोसा खोलिए, हम नाश्ता करते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं। रात घर में सही बात है। पापा खाओ कि हाथ ऊपर भुट्टा भुट्टा भूंजे, भुट्टा भूंजेंगे, भुट्टा भी खाएंगे हम लोग। और फ्रेंड्स लाइट सबके आगे आ रही, लेकिन इसके आगे नहीं आ रही, लेकिन राहत तो है माशाल्लाह से, क्योंकि पंखा चल रहा है। लेकिन इसीलिए कहते हैं इन्वर्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब चीज़ों पर। नहीं, पंखा तो चल रहा है फ्रेंड्स, लाइट नहीं आ रही, तो क्या वो इंसान को राहत तो है गर्मी में। हम लोग सब लोग नमाज वमाज पढ़ लिया और नाश्ता हमारा खूब अच्छे से हो गया। और आलू का चालू इतने ही अम्मी बने थे, इतने कड़वे थे, हमने बहुत दिन के बाद खाई, क्योंकि जब हम खाते मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, बस अल्लाह का नाम लेके बहुत दिन बाद मिले तो हमने खा लिया जी भर के। पर दूसरा हाँ, चटनी भी बिल्कुल मेरी नहीं, और चटनी भी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह बनी थी, जैसी हरी हरी बिल्कुल बनाते हैं हम लोग, वैसे धनिया वाली खूब हरी हरी बनी थी। ये क्या है? बिस्किट इसमें रख के पैक कर दो। और अब अधिक हम लोग के लिए भुट्टा भूंजेंगे, तो हम लोग भुट्टा खाएंगे, क्योंकि भुट्टे का मौसम हो रहा है और बहुत अच्छे से बारिश हुई, इतनी बारिश हुई फ्रेंड हम लोग। मसाले वाले मसाले
ब्यूटी पार्लर वाले बारिश के बारिश तो रुक गई फ्रेंड, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। आंटी मोबाइल चला रही है आजकल, जो मैं जब होती हूँ मोबाइल की बहुत अच्छी पूरे कारखाने में पता चल जाएगा। आज अम्मी के 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं। क्या हुआ चलने ये वो चोरी चुरा के खा लिया है, वो खाने के बाद देखिए कितना कड़वा वाला सही निकला है। चोरी करना बुरी बात होती तभी तो देखो कड़वा निकला है। मैं तो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा चाहती है, बस इसलिए लाल हो गया। मेरा थोड़ा ही हुआ, मेरी अम्मी के साथ मम्मी को मेरी बहुत चाहती है। हम लोग इतने तेज हैं अभी तो जाती नहीं। अभी सही बात है, आजकल के ज़माने में फ्रेंड्स सीधा कोई नहीं है, कोई चुप्पे से माचिस खींच देता है, कोई बहुत तेज बम फाड़। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग हो गई। आज मेरी उड़ गए थे, पहले सफाई सुथराई करते हैं उसके बाद हम धोते हैं। मेरी आदत है कि पहले सफाई करते हैं, हम सोचते हैं कि कोई आए तो इंसान बैठ तो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से सुबह से मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं भी नाइट सूट में ही है फ्रेंड्स। तो बस मेरे ब्रश कर लिया था आज, हमने ब्रश करने के लिए यूज़ करा है पतंजलि का दंत कांटी, बहुत अच्छा होता है। अभी 2-3 दिन हुए लाए हुए, अभी तो रिज़ल्ट नहीं पता चल रहा है, देखते क्या है। इसको करने के बाद जैसे लगता है हम कुछ भी खाते हैं मेरे दांत में और लगता है, ऐसे कुछ लग रहा है मेरे। और अभी मुँह नहीं धोया फ्रेंड्स, तो मुँह धोने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आज नया सोप मैंने निकाला है। ये 2 साल पुराना सोप हो गया फ्रेंड्स, लेकिन ये जो सोप है ये बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। दिखाते हैं आप लोग को, ये अभी मिरर धोया हमने, ये अनीजा गोल्ड का एल्फा एयर बुटिन सोप। और इसको ये बाहर का है फ्रेंड्स, भाई लाया था दुबई से, भाई को एग्जीबिशन में कहीं मिला था, तो ये बहुत अच्छा। इसको अंदर से खोला भी तो इतना चिकना है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये सोप है, ये प्रेस में लिखा हुआ है अनीजा गोल्ड, और बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है। इसे आपको दिखाते हैं फेस धो के। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, तो मैंने सोचा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और ये फ्रेंड जो ये सोप है, पता चला है कि 2 दिन से जहाँ भी रखा है ना वहाँ पे पूरा में इसके निशान बन गए, और हमें पता चला है ये सोप जो है वो मोम का बना हुआ है। मम्मी खाना बना रही है तो बस नाश्ता करते हैं, ऊपर से आ जाएंगे तो आप लोग को दिखाते हैं। और आज हमने नाश्ते में जो है वो फेमस हमारे यहाँ की मुन्ना भाई की बिरयानी खाई थी। अभी देखे नाद हो गया है, अभी पान खा के चली आ रही। फिर पान खा के नहीं, लिपस्टिक तुमने ट्राई करी अम्मी के ऊपर? हाँ, बहुत पुरानी लिपस्टिक रखी थी भाई, अम्मी के ऊपर ट्राई कर लिया हमने। नानी भी आई, नानी सलाम करिए सबसे। वो फोन आया था वहाँ से, मिर्ज़ापुर से आपके पास, हजीब भाई के पास है, मिर्ज़ापुर से फोन आया था। नंबर तो हमी से तो लिया था उन्होंने, नंबर उन्होंने हमसे लिया था। पास फोन आया था अजीब के पास, अजीब का नंबर इसने दिया था, कहता बुआ की खैरियत मालूम करेंगे। फोन आया था, किसका आया था? बाबू का आया। हाँ, यही तो पूछ रही है, फोन किया था। अच्छा, नहीं वो नहीं नहीं, वो भी अजीब का नंबर मांगी था। हाँ। किसी का नंबर दे दो, तो शेफा ने अजीब का नंबर दिया था कि अजीब भाई को जानते, अजीब भाई अम्मा पकड़ा देगी फोन, तो आया नहीं था। नहीं कोई और थे, पता नहीं क्या नाम था, हमें याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है ना, तो इसीलिए। नानी भी आ जाएंगी बहुत दिन के बाद, उनको हर चीज़ से बुलाना पड़ता है। अम्मी देखो आज अम्मी ने नई तरीके की चूड़ियाँ पहनी, तो दिखा रही है, हटा दिया ऑरेंज, हटा के येली पहन लिया है, हरी सफेद लगा ऑरेंज। हाजी तो जिसको देखो वही ऑरेंज, 15 अगस्त वाली चूड़ियाँ, 15 अगस्त खत्म, ऑरेंज खत्म, पैसा हजम। बस हम लोग बैठे हैं नमाज के इंतजार में, नमाज हो जाए फिर नमाज उस पर हम लोग खाना पीना खाएंगे। अच्छा, अम्मी ने चने की दाल गोश बनाया है, कल अदीबा गए थे आपने इतना, उसने नाश्ता में तब पेट भर गया था, वहाँ से आके तो हम बस सो ही गए थे, क्योंकि बारिश से मौसम अच्छा हो जाता है ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। आजकल जो वीडियो चल रही है आप लोगों ने देखा होगा, वो कहते हैं ये मेरी अम्मी है, वो कहती है वो मेरी अम्मी, वो कहते मेरी अम्मी है, लड़कों ने मूवी बना ली है, बिरयानी कैसी है,
अम्मी बिरयानी पकाई है, कहीं अम्मी बिरयानी नानी को पहले लड़की कहती अम्मी बिरयानी बनाई, दूसरी कहती अम्मी बिरयानी बनाई, तीसरी कहती अम्मी बिरयानी, चौधरी अम्मी बिरयानी बनाई है, मतलब इतनी उनकी आवाज नहीं भारी। तो लड़कों ने जो है रील निकाल ली, लड़कों ने लड़के रील निकाल ली, चार लड़के लाइन से बैठे, चार पीढ़ी अम्मी क्या बनाया, अम्मी क्या बनाया, अम्मी बिरयानी बनाई, अम्मी बिरयानी। 15 अगस्त सबको मुबारक हो, तुमको 15 अगस्त मुबारक हो, तुमको सबको 15 अगस्त मुबारक हो, इसकी बुढ़िया की आवाज भयानक निकल रही है। बेचारी बूढ़ी हो गई है ना वो फ्रेंड्स, और हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा उनकी वीडियो जो वायरल हो गई है वो, लेकिन पाकिस्तान की है, नहीं नहीं हिंदुस्तान है। की है वो, लड़के वीडियो बना, चार लड़के एक साथ वीडियो बना रहे, उनकी एक्टिंग कर रहे हैं, हंसते हंसते बुरा हाल। सही बात है, तो हमने सोचा आज का ब्लॉग जो है ये डाल। उसके बाद डैडी हम लोग के लिए साथ शाम में जो खाने के बाद कबाब लेके आए थे, बहुत ही यम्मी यम्मी से कबाब थे। और यहाँ दोपहर में जो है अम्मी के पेशेंट ने अम्मी के लिए, मतलब वो उनके बेबी बॉय हुआ था तो उसकी खुशी में मिठाई आई थी अम्मी के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, तो आज संडे हो गया है, 3 दिन से ब्लॉग चल रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं सोचा आज इस टाइम शाम का टाइम चाय के साथ पनीर के पकौड़े बना ले, डैडी पनीर के पनीर लेके आए थे, चलिए बनाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। ये हमारा पनीर और केचप वेचप भी निकाल लेते हैं, सब इधर लगते हैं, चलते पनीर रख देते हैं। मेयोनीज और केचप हमारी कहाँ गई थी, और यहाँ पे जो है हम पनीर को कट करते। बताइए फ्रेंड किसको किसको पनीर काटना बहुत पसंद है, ये हमें तो पनीर काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमने जो बेसन में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ब्रेड क्रम्स मिला दिया था, और जो है कॉर्नफ्लोर मिला दिया था, और रेड चिली पाउडर ये सब जो मिलता है जो पकौड़े बनता वही सब था ये हमारा। उसके बाद ये देखिए पकौड़े रेडी हो रहे, फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो गया था, ये सेकेंड बैच हमारा रेडी हो रहा था बस। और बहुत यम्मी से फ्रेंड्स बहुत अच्छे पकौड़े, बहुत तार बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल होता है, मतलब पनीर तो तब फ्रेश होता ही है लेकिन कभी कभी बहुत सा मतलब हार्ड होता है, ये बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा बना था। डैडी को तो बहुत पसंद, डैडी का हर संडे पनीर लाया था, क्योंकि डैडी कहीं मिस्टर रोड काम से गए रहे थे ना, वहाँ लाए थे, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ मिल जाती है, बड़ी दुकानों पर क्वान्टिटी ज़्यादा होती है और यहाँ छोटी दुकानों में क्वान्टिटी कम होती है और पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये होता है। यहाँ डैडी अम्मी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और ये जो है शाम का टाइम हो गया है, हम लोग बाज़ार बाज़ार गए थे, देखिए कितना थक के आ रहे हैं बाज़ार से, बाज़ार अम्मी के जो सूट है वो टेलर के डाल के आए थे, तो हमने सोचा ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा टंगे टंगे गंदा हो जाता है, तो इसीलिए तो बस। और आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं, डैडी क्या लेके आए हैं, जूसर लेके हैं, बहुत अच्छा उसमें जूस निकालने के लिए, देखते हैं देखते हैं। डैडी कह रहे हमें नहीं दिखाना पूरे, जब मेरे ऊपर से कैमरा पूरा काला हो जाता है। जूसर है डैडी, जूसर लाए हैं, मतलब हैंडमेड वाला, हाथ से निकालो बिना लाइट के और बिना अंधेरे के निकल आएगा, तो अब उसको देखते हैं वो काम करता है कि नहीं, हिट है कि फ्लॉप है। अगर हिट होगा तो आप लोग खरीद लीजिएगा, बहुत महंगा नहीं है, मिस्टर रोड से लाएँ। अगर फ्लॉप होगा अब अल्लाह मालिक है, देखते हैं डैडी मौसम्बी छीन लें, सेहत बनती है कि नहीं बनती है, ब्लॉग में बने रहिएगा। कैरेट जूसर ये सेंसो कंपनी का है, नई कंपनी है लग रहा, अरे तो लाइट नहीं आ रही फ्रेंड्स इसीलिए, देखिए इतना छोटा सा मिनी है बिल्कुल। अब इसमें जो कुंडा है ये इसमें साइड से लग जाए, ये देखिए ग्लास कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट मिला है इसके नीचे, अरे इधर रहिए भैया, चलने से पहले सो के वो हो जाएगी लग रहा। ये देखिए इधर से जूस निकलेगा, इधर से इसका कचरा बाहर आएगा। और डैडी मौसमी भी लेके आए, मम्मी बैठी हैं यहाँ पे, लाइट आ नहीं रही, थोड़ा सा पंखा चल रहा है फ्रेंड्स, पंखा फ्रेंड्स मम्मी वॉश कर लाएंगे, यहाँ पे जूस निकलेगा वहाँ निकलेगा, इसमें से निकलेगा, इसमें से इसका कचरा निकलेगा यार, अबे इधर गिरेगा, बस इधर से बस बस क्या उस ये बस इतना फिर थोड़े गिरेगा, और डालो एक एक में काम आ जाएगा। मौसम्बी का नींबू लेके आ, इतनी बड़ी बड़ी दे सब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये निकल रहा है फ्रेंड्स, निकल रहा है फ्रेंड्स, ज्यादा डाली जाती है, डाल है भाई, देखिए निकालो, ओह माय गॉड फ्रेश फ्रेश, ओह माय गॉड ये क्या मेरे हाथ से पोके निकल ली, और डालो डालो इकट्ठे डालो, अरे डालो तो फ्रेंड्स ये क्या क्या चीजें आ गई हैं, ताजा ताजा निकलेगा और अम्मी पियेंगी ताजा ताजा, और हम लोग भी पियेंगे अम्मी के साथ साथ, हिल रहा है ना जमीन में, ना जमीन में करना ना, जमीन में
में चिपक जाता है ना ये। ज़्यादा डालो उसमें, पूरा डालो ना यार। दोस्त जान जाना था, उसका कचरा निकला जा रहा है। चिपक जाता है वो जमीन में, तो कर लेगी बैठ गई तो कर रहेगा। चलो जमीन में रख के चलाना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, जमीन में चलेगा तो चिपक जाएगा। चुंबक लगा है, चुंबक लगा हुआ है फ्रेंड्स, प्लास्टिक वाला। वाओ, ताज़ा ताज़ा घर का निकला हुआ जूस फ्रेंड, जैसे लग रहा है। ये कितना बढ़िया निकल रहा है, तुम चलाओ यहाँ से। इतनी देर में मेरी अम्मी जो है थक भी गई है। इसमें काला नमक डालें दादी, खाओगे? जाओ पूरा होने दो, वाओ फ्रेंड कितनी अच्छी चीज है। वाओ डैडी की क्या फायदा है, ठीक काम आ जाएगा। दो ग्लास बन चुके हैं, तीसरा ग्लास बन रहा है। कपड़े ऊपर पीछे पड़े, क्योंकि बार बारिश हो रही है, बार बार नीचे ऊपर करना पड़ा बाजार से नकाब का टंगे, इसको इग्नोर करिएगा थोड़ा सा। लाइट भी नहीं आ रही, इसलिए अंधेरा अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। देखिए डैडी का आधा ग्लास डैडी पी चुके हैं, आधा इसमें बचा हुआ। फ्रेश फ्रेश मिलेगा फ्रेंड्स, क्या चाहिए, मार्केट से सस्ता। और आज जो है हम लोग थोड़ा काम से बाहर गए थे, तो वहाँ पे से लौट रहे थे, तो चांद में बेकरी सामने पड़ जाती है, तो पिज्ज़े को देख के हम लोग रोक ही नहीं पाते अपने आप को, तो इसीलिए बस चांद वालों के पिज़्ज़ा खाने आ गए थे। और आज मेरी तरफ से अम्मी को पार्टी थी, और यहाँ पे जो है उससे स्ट्रिक